माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा व्लॉग्स एंड अदर व्लॉग। मैं हूँ मारिया साय। तो जी आज का जो कंटेंट है वो थोड़ा सा अलग है, मतलब कुछ है जो मुझे आज का ये स्पेशल कंटेंट जो है वो करना पड़ा। मुझे लगा कि अब करने की ज़रूरत पड़ गई है तो इसलिए जो है वो मैं कर रही हूँ। तो प्लीज़ आज से आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है देखिएगा पूरा। और चले फिर मैं पहले अपने लिए एक प्याली मग भर के चाय बनाती हूँ और वो फिर चाय पीते पीते फिर मैं आपसे बात करती हूँ। चलिए जी, नाश्ते के बाद तो सेशन स्टार्ट होता है गरम चाय की प्याली, और मेरा गरम चाय का मग जो है वो आ गया है। सुकून उतर जाता है चाय पीने से। अभी जो है चलिए जी एक छोटा सा सेशन जो है वो कर लेते हैं क्वेश्चन आंसरिंग का। काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं आप लोगों के, मतलब आपके कमेंट आए हुए हैं, लेकिन इसको स्पेशल मैं तो ऐसे जवाब देती रहती हूँ, लेकिन आज स्पेशल देना था, कुछ वजह थी इसकी वजह से आज मुझे स्पेशल देना पड़ा। तो अभी जो है सबसे पहले मैं बात करूँगी रुखसाना तारिक आपसे। जी आपका कमेंट स्क्रीन पे शो हो जाएगा, क्योंकि ये कमेंट यहाँ पढ़ने की ना, मतलब मे बी कि मैं पढ़ूँ तो मैं मे बी कि मैं एग्रेसिव हो जाऊँ, या मे बी मेरे फेस इंप्रेशन से कुछ ऐसा हो जाए कि अगला कोई हर्ट हो जाए, और मैं ऐसा चाहती नहीं हूँ क्योंकि ये मेरी फैमिली है। हो सकता है मुझे बच्चे भी देख रहे हैं, मुझे बड़े भी देख रहे हैं, मैं किसी को अपसेट नहीं करना चाहती हूँ। तो रुखसाना तारिक आपने ये जो मेरे पेरेंट पे बात की है ना, आपको ये नहीं करनी थी। आपको जो बोलना था आप मुझे बोलते, आप सबीका को बोलते। आप बड़ी हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम रिस्पेक्ट से आपकी बात सुनते हैं। अगर आप हमसे छोटी हैं तो हम प्यार से आपकी बात सुनते हैं। हमने कभी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। आपको पेरेंट तक नहीं जाना था, आपको मेरी ममा तक नहीं जाना था। आप मेरी ममा के बारे में क्या जानती हैं, आप मेरे बारे में क्या जानती हैं। आप अगर आप बात कर रही हैं कि परवरिश की बात कर रही हैं या आप ओढ़नी की बात कर रही हैं, तो मैं आपको इतना बता दूं कि जो सर पे जो ओढ़नी जो होती है, तो इसको लेके आप किसी के कैरेक्टर को या आप किसी की परवरिश को जज नहीं कर सकते। ये भी एक बात मैं आपको बता दूं, मैं क्लियर बात नहीं कर रही हूँ, जो लोग हैं वो समझदार हैं, वो हर बात को समझते हैं। तो इस बात को लेके ना आप यहाँ पे मेरी फैमिली को जो है वो नहीं समझ सकती हैं। मैंने कभी भी मेरी जर्नी जो है 6 ईयर से मेरी जर्नी शुरू हुई है मेरे कुकिंग चैनल पे। वहाँ पे जाके आप देखिए मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 14,800 सब्सक्राइबर्स हैं, और मैंने वहाँ पे सिर्फ अपनी मेहनत से अपना काम दिखा के इनको जमा किया है, अपना काम दिखा। मैंने कुकिंग की थी, कुकिंग मुझे कोई पैदाइशी तो नहीं आ गई ना, मुझे मेरी मामा ने सिखाई, मुझे मेरी फैमिली से सीखी, मुझे सबसे मैंने देख के सीखा ना। तो ये उनकी परवरिश है कि मैं इस तरफ आई। मैंने विक्टिम कार्ड नहीं प्ले किया। मैं 1 ईयर से रेगुलर जो है व्लॉगिंग कर रही हूँ। चैनल थोड़ा पुराना है, लेकिन मैं व्लॉगिंग जो है लास्ट 1 ईयर से कर रही हूँ। बकरा ईद से मैंने स्टार्ट की थी। मैंने अपना विक्टिम कार्ड नहीं खेला। मेरे पास बहुत ज़बरदस्त विक्टिम कार्ड है। मैं चाहती तो खेल सकती थी। आप समझ रहे हैं मेरा विक्टिम कार्ड क्या है, लेकिन मेरी आइस मेरा विक्टिम कार्ड है, लेकिन मैंने या इस प्लेटफॉर्म पे अपने विक्टिम कार्ड को प्ले नहीं किया। पूरा गोल मेरे पीछे लगा है, ट्रस्ट मी। आप कमेंट जाके देखें, मेरी शॉर्ट जाके देखें। अभी भी कुछ दिन पहले किसी ने बोला कि ये बंदी देख कहाँ रही। भाई तुम्हें नहीं पता मैं कहाँ देख रही हूँ? तो ये सवाल जाके अल्लाह से पूछो ना, क्योंकि मेरा दिल नहीं माना कि मैं खेलूँ, क्योंकि मुझे अल्लाह ने बनाया है, मुझे बहुत प्यारा बनाया है। मैं कैसे इस बात की शिकायत उनसे कर सकती हूँ? मेरे अंदर ये बात है ही नहीं। तो ये कॉन्फिडेंट इस लेवल पे लाने वाली मुझे मेरी माँ है। वो मुझे ओढ़नी उड़ा के और मतलब ओढ़नी उड़ा के घर में बैठा देती, वो कर देती, तो वो ज़्यादा अच्छा होता कि मैं रोती रहती और दुनिया वालों की बातें सुनती, ना कि मैं आज इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर मैं मेहनत कर रही हूँ। देखिए मैं जिस मंजिल पर चल पड़ी हूँ ना, इसमें मुझे कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या मैं अपनी मंजिल तक पहुंचूंगी कि नहीं पहुंचूंगी, ये मेरे अल्लाह के हाथ में। मेरे हाथ में ये है मेहनत करना, और शिद्दत से मेहनत करना, अपने आप को गर्क करके मेहनत करना। वो मैं कर रही हूँ। आगे आपका काम है कि आप इसमें मेरा साथ दें, मुझे सपोर्ट करें, मुझे पसंद करें। हाँ आप मुझे जो बोलना है आप मुझे बोलें, पर प्लीज़ मेरी ये हम्बली रिक्वेस्ट है, मेरी माँ को कुछ मत बोलेगा। मेरी माँ मेरी दुनिया है, मेरी ज़िंदगी है, मेरा सब कुछ है, उसको मत बोलिएगा। ये एक बात जो है ना, ये खंजर की तरह मेरे अंदर हो। देखिए इतना पूरा एक गोल मेरे पीछे लगा है मेरे इस बात को लेकर, और ट्रस्ट मी मैं हंसती थी। मैं कह रही यार ये सवाल मुझसे क्यों करें, अल्लाह से क्यों नहीं करें? अल्लाह के पास चले जाओ ना, उससे जाके सवाल करो। लेकिन आपकी इस बात ने मुझे हट किया। चले जी बहुत लंबी लेक्चर हो गया, इस बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और रिक्वेस्ट मेरी याद रखिएगा। आज माइन वर्ड। हाँ यार, मेरी मैं सैलून नहीं जाती ना। एक्चुअली मैट्रिक के बाद मामा ने मुझे ब्यूटिशियन कोर्स करवा दिया था अपने एरिया के सैलून में, तो इतना मुझे आ गया था कि इसको किस तरीके से मैनेज करना है, क्या करना है। फिर जैसे जैसे चीज़ें अपडेट होती रहीं, मैं रिसर्च करती रही और मैं उसी के साथ चलती रही, तो मैं ज़्यादा सैलून नहीं जाती। मे बी कि मैं किसी बेस्ट ब्यूटिशियन के पास जाती जो मेरे फेस के मुताबिक कट करता। तो अच्छा सजेशन तुमने दिया, अब मैं ऐसे ही करूँगी। अहमद भीख तो अपनों से थोड़ी मांगते हैं, अपनों से हक के साथ मांगते हैं। तो मैं आप लोगों को अपनी फैमिली कहती हूँ, इसलिए मेरा हक है, मैं हक के साथ आपको कहती हूँ। मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये तो मेरा हक बनता है। आपने जब मैंने फैमिली कह दिया तो आपने तो मेरा हक बन गया। चलें जी। और ओ शबाना वकार आंटी जी, आपके कमेंट तो मतलब मैं पढ़ती हूँ और मुझे इतनी, मैंने तो उस दिन बोला ना कि जो मुझे मेहंदी लगानी आई है, इसके पीछे आपका सपोर्ट है, आपका हाथ है और आपका वो गरारा। मैं कम्युनिटी पे गरारे की पिक्चर लगाऊंगा, गरारा आपने ज़रूर देखना है। और ये पूरा मुझे ड्रेसअप करने वाली शबाना वकार आंटी है और वो तस्वीर यकीन जानिए इतनी खूबसूरत वो गरारा है ना कि मतलब मेरे फेस पर नहीं जाएगी, गरारे पर सबकी नजर जाएगी। और बहुत मतलब ये मेरी बेस्ट ऑफ बेस्ट ही है ये। फैजान खान थैंक यू सो मच। फहीम बहुत 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 दिल से आपका शुक्रिया, आप मेरा व्लॉग देखते हैं, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, अरमान हसन जी, बिल्कुल मैं सिटी बैक में तो बिल्कुल मेरे घर के सामने ही है, तो इंशाल्लाह किसी दिन शाम के वक्त जाते हैं ताकि ना मज़ा आए। शाम के वक्त रश होता है ना, बाहर जो समोसे और वो कचौरियाँ वगैरह बना रहे होते हैं, तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द उनके यहाँ जाएंगे और हम वो बहुत मज़ा करेंगे। और फैंटास्टिक व्लॉग थैंक यू सो मच। अच्छा रिजवान अशरफ माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। और आए राजा जैन माशाल्लाह, बातें बहुत मज़े की करती हैं। ओहो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपको मेरी बातें मज़े की लगती हैं। बस इसी तरह से मेरा साथ देते रहिए और भी मज़े की बातें मैं आप लोगों के साथ करती हूँ। आप लोग भी मेरे साथ मज़े की बातें किया कीजिए, मुझे अच्छा लगता है कि मुझसे बात करती है। आप ही अपनी अम्मी का मेरा सलाम देना, फैजान कह रहा है आप ही अपनी अम्मी को सलाम देना। अच्छा जी, वालेकुम सलाम। और बस जी आज इतने ही कमेंट थे, तो चले। और अगर मेरी बात से किसी को भी कोई दिल आज़ारी हुई हो या कोई भी बात हुई हो तो आई एम रियली सॉरी। बस जी माँ तक मत जाइए, पेरेंट तक नहीं आना है, हम तक रहना है ना। इतने ज़्यादा वो मत करें, बस पेरेंट तो सांझे होते हैं ना, वालदैन तो सांझे होते, बेटियाँ सांझी होती हैं, वालदैन भी सांझे होते हैं। मेरी अम्मी आप सबको अपना बच्चा कहती हैं, सबको बच्चा कहती हैं, तो बस उन तक मत आइए, प्लीज़ उन तक मत आइए। चले फिर आगे देखते हैं क्या क्या होता है।